तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो फिलहाल में ही टिकटॉक पे वायरल हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, वीडियो एक लड़का ने बनाया है। इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ चुके हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले कुछ इस टाइप के एक वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो टी शर्ट हो या शर्ट हो, आपको एक कलर का होना चाहिए। जो कलर का आपका टी शर्ट या शर्ट है, वही कलर आपको बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। वीडियो शूट करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक प्लस का इन्वेस्ट एप्लीकेशन का लिंक दे रखे है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल पे होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इस बैकग्राउंड को 10 से 12 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद वीडियो को आपको प्ले कर देख लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पर प्रेस करके रखेंगे, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। अब वीडियो को आपको यहाँ पर 10 से 12 सेकेंड के आसपास रहने देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। फिर से हम इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो वीडियो आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। तो वीडियो क्लियर पर फिर से क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को क्लिक करेंगे और ऑफ साइड के बगल में एक आपको बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, वीडियो जो आपका फुल साइज में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को इस तरह से आपको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह से छोटा कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में आपको एडजस्ट कर देना है, कुछ इस तरह से। थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे हमें सेंड टू बैक कर देना है। तो वीडियो आपको बैक में हो जाएगा। लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टी शर्ट या शॉर्ट में आपको लड़की नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। क्रोमा की को आपको सिंपल यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको जिस कलर का शॉर्ट या टी शर्ट आप पहन रखे हैं, वही कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे रेड कलर का पहना हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस हमारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ब्लैक फेस को सही करते हैं। फिर से हमें वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो मास्क का, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जो आपका शॉर्ट या टी शर्ट हो, आपको ब्लैक दिन दिखना चाहिए और बाकी के पार्ट आपको व्हाइट दिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रॉपर एडजस्ट कर दिया हूँ। इसके बाद नहीं भी एडजस्ट, फिर भी एडजस्ट नहीं होता है, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करके डन कर देना है, ठीक है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से आपको बीच में एडजस्ट आपको कर देना है। इसे हम जूम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट में जो साउंड जो है आपको स्लो हो जाता है, वो साउंड आपको स्लो नहीं होगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।